नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है चैनल कंपटीशन अड्डा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी व्यापम के ग्रुप 2 सबग्रुप 4 एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं इस वीडियो पे, जो कि लेबर इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए होता है। उसके साथ साथ कई अन्य पोस्टें भी होती हैं जो बहुत से बच्चों को पता नहीं है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ में आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी तो स्टार्ट कर दी, मगर आप क्या एलिजिबल हैं तो कितनी पोस्टों के लिए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले। उस परीक्षा के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, साथ में लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, और साथ में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो टॉपर्स थे लास्ट ईयर के उनके कितने मार्क्स थे। उससे आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स लाने की आवश्यकता है कम से कम इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि इस एग्ज़ाम के लेवल की अगर हम बात करें तो आप इसका जो टफनेस लेवल और साथ में क्या इसमें कॉम्पिटिशन आपको देखने के लिए मिल सकता है आने वाले समय में, वो इसी से आप देख सकते हैं कि 150,925 बच्चों ने मात्र 2,213 पोस्टों के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई नहीं दोस्तों, ये अपीयर हुए थे एग्जाम में। ठीक है, ये एग्जाम दिए थे 2,213 पोस्टों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस साल क्या डेट रहने वाली इस एग्जाम की। तो व्यापम के ऑफिशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 28 से 30 अप्रैल जो है टेंटेटिव एग्जाम डेट दी गई है अभी पीबी के द्वारा। ठीक है, अब ये चेंज होती है या नहीं होती अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। जो भी खराब से खराब सिचुएशन हो सकता है आपका एग्जाम चेंज ना हो तो फिर आपको इसमें दिक्कत जाएगी। ठीक है, साथ में लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 15 दिन आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया था और अप्रॉक्स 25 दिन आपको तैयारी के लिए मिले थे फॉर्म फिल करने के बाद। टोटल 35 से 40 दिन फॉर्म आने के बाद आपको मिले थे तैयारी करने के लिए, जो कि सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसका जो सिलेबस है इतना ह्यूज है दोस्तों कि उसकी तैयारी के लिए आपको 2 से 2.5 महीना अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो लग ही जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं लास्ट ईयर के कुछ पोस्टों के ऊपर कि कितनी पोस्ट आई थी और कौन कौन सी पोस्ट उनमें रहती थी। ठीक है, बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे इसको, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले हैं क्योंकि जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। टोटल 2,213 पोस्टें थी। ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा पोस्टें थी सहायक उप निरीक्षक की। अब आप देख सकते हैं इतनी ढेर सारी पोस्ट थी, 51 टोटल पोस्ट थी इसमें। ठीक है, 51 तरीके की पोस्ट थी। साथ में इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट बोला जा रहा था वो लेबर इंस्पेक्टर की बोली जाती है। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि उसके लिए मात्र आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम से। कोई भी आप चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो ग्रेजुएशन में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, लेबर इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। इसलिए इस एग्ज़ाम को मोस्टली लेबर इंस्पेक्टर पोस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हालांकि ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत की पोस्टें हैं सारी की सारी। जो अन्य पोस्ट हैं इनमें उनके लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ किसी में डीसीए चाहिए, किसी में सीबीसीटी चाहिए। साथ में कुछ जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है उनमें आपको लाइब्रेरी के लिए जो भी लाइब्रेरियन की एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है उनकी बैचलर डिग्री वो आपको ज़रूरी है। तो इसलिए ये सारी जो पोस्टें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, मगर आप सारी पोस्टों में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कुछ ही पोस्ट होती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप मान के ना चलें कि आप 2,213 पोस्ट के लिए कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तैयारी के ऊपर वीडियो तो हम नेक्स्ट वाली जो वीडियो अपलोड करेंगे उस पर बात करेंगे कंप्लीट डिटेल से। जो एग्ज़ाम पैटर्न है आप सभी को पता भी होगा, मगर जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका पेपर एक ही होना है। उस पेपर में 2 आपके सेक्शन होंगे। ठीक है, पहले सेक्शन में आपके ये 4 पार्ट्स होंगे, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, 4 के 4 के 25-25 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे और टोटल 100 नंबर का पेपर होगा पहला वाला, जो फर्स्ट सेक्शन की मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड सेक्शन होगा
उसमें आपका जीके होगा, ठीक है। अब जीके दो पार्ट में डिवाइड होगा, इंडिया जीके में और एमपी जीके में। सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे, मैं बोल रहा हूँ जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं, साथ में कंप्यूटर 25 नंबर, रीजनिंग और जनरल मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस पूरे एग्जाम के लिए, जनरल मैनेजमेंट। रीजन ये है कि जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनका स्कोर यहाँ पास बहुत कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली है कॉमर्स का सेक्शन और जो कॉमर्स वाले ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पास जनरल मैनेजमेंट का, ठीक है, सामान्य प्रबंधक का। तो इसलिए इसकी कैसे तैयारी करनी स्पेशली मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देखेंगे मैं आपको उसमें बुक्स के बारे में बताऊंगा कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई बुक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी मार्केट में, ठीक है। और बहुत से वीडियोज भी जो बनाए गए हैं मैंने देखा है, मगर वो सफिशेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए, तो मैं इसके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा और आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग के लिए। तो दोस्तों ये है जो पैटर्न है इस एग्जाम का, साथ में जो फर्स्ट सेक्शन आप देख रहे हैं फर्स्ट सेक्शन को व्यापम के अकॉर्डिंग स्नातक लेवल का रखा जाएगा, ठीक है, और सेकंड सेक्शन को 10+2 लेवल का। मगर मैं आपको बता दूं दोस्तों ये सिर्फ बोलने के लिए बातें हैं, आप लास्ट ईयर का जाके पेपर अगर आप डाउनलोड करेंगे पीबी की साइट से और आप उसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पास 7 से 8 पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो इसका स्नातक लेवल का नहीं होता दोस्तों, ये जो मैथ्स है आपके 10th लेवल की होती है, ठीक है, बहुत कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं जो 11th या 12th लेवल के मिल जाएंगे, वो एक्सेप्शनल केस है, मगर आपका 10th लेवल की मैथ्स होती है। बट इसमें आपको एडवांस और ट्रिग्नोमेट्री साथ में एलजेब्रा आपको ये सब देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगी, मगर एलजेब्रा और एडवांस मैथ्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप स्नातक लेवल की तैयारी करें इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक इंग्लिश तो बिल्कुल बेसिक, हिंदी भी बेसिक ही आती है जिस तरीके से हर एग्जाम की व्यापम में आती है, ठीक है। साथ में जीके कंप्यूटर रीजनिंग आप सभी को पता है सेम वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है जो हर एग्जाम का रहता है, मगर जीके में इसमें इंडिया जीके को भी वेटेज दिया गया है और इंडिया जीके का वेटेज करंट अफेयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 50% तक का रहता है, ठीक है, तो इंडिया जीके जो पूछी जाती है वो मोस्टली करंट अफेयर के ऊपर डिपेंड होती है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कट ऑफ किया गया था लास्ट ईयर इस लेबर इंस्पेक्टर पोस्ट का। स्पेशली मैंने आपको दिखाया कि टोटल 51 तरीके की पोस्टें हैं, सभी का कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है, मगर जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है लेबर इंस्पेक्टर जिसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको जो मेल जनरल कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ लास्ट ईयर गया था 156.68, ठीक है, कितना गया था 156.68, सिर्फ 45 पोस्ट थी जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए हम बात करें जनरल तो 145.49 गया था कट ऑफ और 22 पोस्टें थी फीमेल के लिए। साथ में ओबीसी मेल के लिए बात करें तो 150.81 और 23 पोस्ट थे ओबीसी मेल के अंतर्गत, बाकी आप डिटेल देख लीजिएगा व्यापम की साइट पे भी अवेलेबल है, ठीक है। टोटल कैंडिडेट मैंने आपको बताया 150,925 बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, मतलब कहीं ना कहीं ये एग्जाम एक एवरेज लेवल का एग्जाम रहेगा, बहुत टफ भी नहीं और बहुत सिंपल भी तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू पोस्ट आप देख सकते हैं कि 150,000 मतलब करीबन इस साल कहीं ये जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं वो 2 लाख के आसपास ना पहुंच जाएं, तो एक आपको लेवल देखने के लिए मिलेगा इस एग्जाम में बिल्कुल। चलिए जो महत्वपूर्ण बात है कि लास्ट ईयर जो हाईएस्ट मार्क्स गए थे बच्चों के, हम उस पर बात करते हैं कि कितने गए थे। तो आप देख सकते हैं जबलपुर के कई बच्चे थे यहाँ पास जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, 174.5 वाले के फर्स्ट रैंक बने थे यहाँ पास, आप देख सकते हैं 200 में 174 नंबर लाने पे फर्स्ट रैंक मिल गई थी, ठीक है, और वहीं 174 से 164 नंबर मतलब सिर्फ 10 नंबर की अगर हम बात करें 10 नंबर 174 से कम हुए हैं, सिर्फ नहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा नंबर कम हुए हैं, मगर जो पोस्ट है यहाँ पास वो टोटल फिर भी बच्चे टॉप 10 में आ गए हैं, आप देख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, ये टॉप 10 बच्चे हैं 164 से लेके 174 के बीच में ही आपको 10 बच्चे मिल गए, ठीक है। तो
कोई बहुत ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम में, आपका आपको एक बहुत स्मार्ट तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप जो यहाँ 10th लेवल का बच्चा है उसको भी आप लेकर चलते हैं 164, ठीक है, तो भी आप सोच सकते हैं आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है, आप आराम से टॉप 50 में तो रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए जो भी स्ट्रेटजी है, स्पेशल स्ट्रेटजी, उसके ऊपर हम बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। और हमारा एम रहेगा कि मिनिमम आप 160 प्लस तो स्कोर करें ही, ठीक है, कम से कम 160 प्लस आप स्कोर करें ताकि आपकी एक पोस्ट 100% क्लियर हो जाए। मगर आपको कोशिश करना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक स्कोर कर सकें। साथ में कौन सी बुक आपको यूज करनी है, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है अगले आने वाले लगभग 45 दिनों में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा अपलोड होगा उनमें इन सारे पॉइंट्स को हम रखेंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ में दोस्तों, जो भी वीडियोज मैं बनाता हूँ उस पर बहुत मेहनत लगती है, आप देख भी सकते हैं मैंने कहाँ कहाँ से डाटा ला करके आपको इन्फॉर्मेशन दिया है जो अभी तक आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा, ठीक है, एक ही वीडियो के अंतर्गत। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अभी भी कोई आपके अंदर डाउट हो मन में तो आप कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और एक शेयर जरूर करें, सभी जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं एक शेयर वीडियो को करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।